डीएनए यानी कि डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक किसी भी जीवित कोशिका में पाया जाने वाला गुणसूत्र है जो उस जीव का स्ट्रक्चर और उसके क्वालिटीज को डिफाइन करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। बट अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहा जाता है कि कुछ एंशिएंट वायरसेस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते थे, वो वायरसेस 8% ऑफ ह्यूमन डीएनए से ही बने हुए हैं। ह्यूमन डीएनए 94% से 98% आइडेंटिकल है एक चिंपांजी के डीएनए से। और इससे भी शॉकिंग फैक्ट है कि ह्यूमन डीएनए 50% आइडेंटिकल है एक बनाना के डीएनए से। जी हाँ, एक बनाना। अगर हमें पूरी दुनिया की डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमें सिर्फ 2 grams ऑफ डीएनए की जरूरत है स्टोर करने के लिए। कोई भी भाई बहन का जीनोम 98% सेम रहता है और कोई भी ट्विंस के केस में तो 100% सेम रहता है। क्या आपको मालूम था कि कैबेजेस और ह्यूमंस 40-50% आइडेंटिकल डीएनए शेयर करते हैं? हाँ, वही कैबेजेस जो हम लोग खाते हैं। डीएनए हमारी बॉडी का ईच और एवरी सेल में प्रेजेंट है और हर दिन हमारी बॉडी में 1,000 से 1,000,000 बार सेल डैमेज होते हैं और फिर भी हमारी बॉडी एग्जैक्ट सेम सेल उतने ही बार वापस रिपेयर भी करती है। 99.9% डीएनए सभी ह्यूमंस का आइडेंटिकल होता है, बस सिर्फ 0.1% ही हम ह्यूमंस का अलग अलग है। जोहेन फेडरिश माइस्टर ने डीएनए पहली बार डिस्कवर किया था। उन्हें ये डीएनए वेस्ट सर्जिकल बैंडेड के पस में मिला था और उन्होंने इसे डीएनए का नाम दिया था। चाहे साइंस में कितनी भी डिस्कवरीज हो, कितनी भी एडवांस हो, बट ओरिजिन ऑफ डीएनए अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। तो दोस्तों, थे ना कुछ मजेदार फैक्ट्स डीएनए के रिलेटेड? और आपके पास ऐसे ही कुछ और भी मजेदार फैक्ट्स है डीएनए के रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।